और लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मरियम नवाज को मेरिट पर जमानत अदालत ने दी है तो फिर वो अपने वालिद की तीमारदारी करने क्यों ना जाएं। हुकूमत का मसला महंगाई, मईशत की बदहाली और रोजगार नहीं। इमरान खान को दिन रात सिर्फ शरीफ फैमिली का ख्याल सताता है। मरियम नवाज की जानब से बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त पर हुकूमती तनकीद के रद्द अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और दो दर्जन तर्जुमानों का मसला महंगाई, मईशत की बदहाली और रोजगार नहीं। इमरान खान को दिन रात सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा और मुस्लिम लीग सरकारी खर्च पर नैब नून का ख्याल सताता रहता है और PID को शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फैसले के बाद अपनी वालिदा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर वतन वापस आई। उन पर आज तक एक रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी है। उन्होंने कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं रखा, उन पर अभी तक कोई रेफरेंस दायर नहीं हुआ और आज तक एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। नैब 3 महीने हिरासत में रखकर भी कोई करप्शन साबित नहीं कर सका है। गिरफ्तारी के लिए इल्जाम लगाया कि दादा ने मरियम नवाज को पोती को जायदाद में हिस्सा क्यों दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने मेरिट पर जमानत दी तो फिर वो वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन क्यों ना जाएं? तर्जुमान नून लीग ने कहा कि हुकूमती तर्जुमान अपने बयानात से जेरे समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग और BRT खड्डे केस में पूरी PTI का नाम पार्लियामेंट और ECL में शामिल होना चाहिए। PTV पर हमला, मालम जब्बा केस में इमरान साहब का नाम ECL में होना चाहिए।